नमस्कार किसान भाइयों, मैं हूं आशीष राजपूत, आप देख रहे हैं अपना टॉप भारत। आज किसान भाइयों हम इस समय मौजूद हैं चक्रपुर मंडी कानपुर में। तारीख है 25 अक्टूबर और दिन है शुक्रवार। फिलहाल की बात करें तो राकेश आलू कंपनी पर इस समय मौजूद हैं यहाँ के ऑनर और अध्यक्ष जी पंकज कुशवाहा जी हमारे साथ मौजूद हैं। जानकारी जुटाएंगे कि आज आलू का भाव क्या है, मंडी की आमदनी जानकारी करेंगे, मंडी की आमदनी क्या है। फिलहाल में बात करेंगे कि कितना क्या बदलाव हुआ है। अगर कल की अपेक्षा आज अगर कंपेयर हम करते हैं तो कुछ ना कुछ जो है बदलाव जरूर हुआ है। उस बदलाव के बारे में जानेंगे, किसानों के बीच में जो भी सवाल हैं उनके आंसर ढूंढने की कोशिश करते हैं। फिलहाल में हमारे साथ मंडी के अध्यक्ष जी मौजूद हैं, इनसे जानकारी भी लेंगे कि भैया आज का रेट क्या चल रहा है, मंडी की आमदनी कैसी क्या है। फिलहाल की बात करेंगे तो कई आलू की वैरायटियाँ आपके सामने जो है तस्वीरों के माध्यम से आप देख भी पा रहे हैं, और इन वैरायटियों में क्या क्या आलू बिका है, किस किस रेट का बिका है, गीला भी आलू है, सूखा भी आलू है। कई किसानों के अंदर मन में जो है एक भ्रमित करने वाले कुछ शब्द रहते हैं, कुछ ऐसे रेट आ जाते हैं जिनके चक्कर में उनको समझ में नहीं आता। चलिए सारी बातें जो है भाई साहब से जानकारी लेते हैं। तो भैया आज हमें बताइएगा, आज 25 अक्टूबर है और आज के दिन आमदनी क्या रही? आज बाजार में ताजी आमदनी बात की जाए तो 100 से लेके 125 गाड़ी तक ताजा आमदनी है। ताजा आमदनी तो सर क्या कुछ कल का बैलेंस भी था क्या? हाँ, कल हमारे यहाँ कानपुर में क्या हुआ था, कुछ बिक्री सुस्त होने वजह से 30-40 गाड़ी का बैलेंस भी बचा था। जी 30 गाड़ी का बैलेंस। हाँ, तो मतलब आज के दिन अगर देखाएंगे तो टोटल 150 के आसपास जाएगा। हाँ बिल्कुल, 150 गाड़ी के आसपास। सर आज मैंने देखा है कि मंडी में कुछ चहलकदमी थोड़ी कम है और थोड़ा जाम टाइप का मंडी में दिखा है, क्या कारण रहा? देखिए ऐसा है, कुछ आमदनी थोड़ा लेट आई है, जो भी कारण रहा है, जाम रहा है या कुछ भी हो जी, कुछ गाड़ियाँ थोड़ा लेट आई है। माल की बिक्री बराबर चालू है जी। हाँ रेट का जरूर फर्क पड़ा है कि चारों तरफ बाजारें दब गई हैं। दब गई हैं, जैसा कि सर हमने कल के अगर रेट से भी कंपेयर करेंगे तब भी हमें लगता है कि आज कुछ गिरावट हुई है। बिल्कुल गिरावट है, क्योंकि जहाँ हमारे यहाँ उत्तर पूरे ऑल इंडिया में सप्लाई है हमारी कानपुर मंडी से जी, और हर जगह की रिपोर्ट यही आ रही है कि बिक्री थोड़ा सुस्त है जी, आमदनी डायरेक्ट ज्यादा पहुँचने की वजह से कुछ बाजारों में दबाव है। बिल्कुल, इन सब चीजों को देखते हो तब भी हमारी कानपुर मंडी में बिक्री बढ़िया चल रही है, धीरे धीरे करके आलू भाव से जो बिक रहा है, जो जैसी क्वालिटी वैसा रेट। तो भाई साहब जैसे कि आपको तो काफी ज्यादा अनुभव है, और लेकिन जो किसान कमेंट कर रहा था अभी तक, किसानों का मानना ये भी था कि भैया दीपावली के करीब करीब हम पहुंचेंगे तो आलू का भाव टाइट होगा, लेकिन यहाँ पे खीर थोड़ी उल्टी हो गई है। तो ऐसे में अब क्या कहना चाहेंगे कि मतलब कि किसान तो सोच रहा था भैया उछाल मारेगा, लेकिन हो गया नीचे गिरावट हो गया। देखिए किसानों को लगातार निरंतर हम लोग अपने वीडियो के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से जी ये संदेश दे ही रहे थे कि जी माल को बेचते रहिए, ज़्यादा रोकना लास्ट के लिए बहुत हानिकारक हो सकता, और वही समीकरण बन गए। बिल्कुल, जो आलू 20 रुपए पोजिशन बिक रहे थे तो 18-17 बिकने लगे जी, जो गुल्ला हमारे यहाँ सादाबाद के 18-17 बिक रहे थे आज वो 15-16 पोजिशन में आ गए, 15-16 के आ गए। चलिए फिलहाल में किसान भाइयों बात करते हैं तो आज की जो करंट आमदनी है, मतलब कि आज की ताजा, तो कानपुर मंडी की आज आमदनी 100 से 125 के आसपास भाई साहब ने बताई है, लेकिन इसमें जानकारी के मुताबिक आपको ये भी बता दें कि पिछले दिन का भी कुछ बैलेंस जो है आलू का लगा हुआ है। फिलहाल में भैया मंडी की आमदनी दिखाइएगा तस्वीरों के माध्यम से, आपको इस तस्वीर से आंकड़े आप लगा सकते हैं कि भैया आज जो है ज़्यादा कुछ मंडी में आमदनी आपको तस्वीरों से ही देखने को मिल रही होगी। भैया चलिए शुरुआत करते हैं आलू के रेट पे। भैया इसकी वैरायटी बताइए, किस रेट में इसकी बिक्री हुई है ये बताइए। 3797 का गुल्ला है ये, 1600 रुपये क्विंटल का बिका है। 1600 रुपये प्रति क्विंटल। भैया इसमें जैसे आप किसान ने आपने बता दिया 1600 रुपये में, लेकिन कुछ आलू जो इससे डैमेज रहेगा, थोड़ा हल्का रहेगा, इसे नीचे वाला भी बता दीजिएगा। देखिए गुल्ले का रेट कानपुर में 14 रुपए, 15 रुपए, 16 रुपए, सूखा। हाँ ये पोजीशन में है सूखा जी, 14 रुपए से 16 रुपए, 14 से 16 रुपए। भाई साहब 17 नहीं जाएगा? बढ़िया। नहीं नहीं 17 कोई मतलब नहीं, आज बाजार में बता रहे थोड़ा सा आमदनी ज्यादा है। बिल्कुल, और चारों तरफ मंडियां दबी है इसलिए जो है पोजीशन। बिल्कुल, तो किसान भाइयों देखिए आप नोटिस ये भी करना चाहिए आपको कि ये सूखा आलू आगरा का 3797 गुल्ला 14 से लेकर 16 रुपए तक आपका इस रेट में आपको बिक्री आपको आज के दिन देखने को मिली है। आओ कर लो। और चलिए भाई साहब ये मतलब सेकंड क्लास का आलू आ जाता है इसका तो रेट? ये गीले आलू है, एवरेज क्वालिटी 13-14 रुपए बिक रहे हैं हल्के वाले, 17-18 का गीला। भाई साहब ये किर्री में बीजा ये किसका है, कौन सी वैरायटी है? बीजे की पोजीशन है मार्केट में 9 रुपए से लेके 11 रुपए तक की बाजार रही है, 11 रुपए तक की। हाँ। भाई साहब ये बताइए गीला जो आलू अपना आया हुआ है, ये भी मुझे लगता है कि आगरा का गुल्ला ही है। आगरा का गुल्ला है, 1350 रुपए क्विंटल बिका है किसान के दाम, 1350 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से। देखिए किसान भाई उसमें इसमें आप फर्क देखिए कि ये गीला है, सूखेगा, वजन कम होगा, इसी वजह से 1350 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से इसका रेट रहा। भाई साहब ये सूखा है, बीजा में जाएगा गुल्ला में जाएगा? गीला बीजा। अच्छा बीजा बीजा रहेगा, गीला है, इसका रेट 10 रुपए का बिका, 10 रुपए में। भाई साहब मोटे आलू अपने जहाँ चिप्सोना वगैरह आज कुछ बिक्री हुए हैं? चिप्सोना मेरे पास नहीं था, मेरे पास 7-8 गाड़ी था जिसमें गुल्ला बीजा ज्यादा था। बिल्कुल, और
ये इसमें बचा है, ले ले इसमें बचा ढाई। चलिए तो देख सकते हैं आप लोग जो है बिक्री बराबर आपके सामने भी चल रही है। और भैया ये एक बात हमें और बता दीजिए जरा, थोड़ा अपडेट और, कि हाईलैंड आलू क्या पोजीशन है आज की? हाईलैंड आलू 22 रुपए से 24 रुपए की पोजीशन, बढ़िया आलू 24 रुपए, बहुत बढ़िया रहेगा। तो भाई साहब कल से कुछ मुझे लगता है एक रुपए का खुला दबाव है, फर्जी न्यूज देने से कोई मतलब बिल्कुल नहीं। बिल्कुल। तो किसान भाइयों, मैंने आपको पहले ही डेट भी बता दिया है, दिन भी बता दिया है, अब आपके सामने मंडी के अध्यक्ष जी के मुंह से आप खुद जवानी सुन रहे हैं कि आज के रेट क्या है। आज हाईलैंड आलू का रेट जो है 22 से 24 रुपए बिका है, अगर बढ़िया रहेगा। और भाई साहब चिप्सोना का क्या रहेगा? चिप्सोना 22-23 रुपए बिका है, 22-23 रुपए, ज्यादा ऊपर नीचे नहीं हुआ है लेकिन माइनस हुआ है। हल्के चिप्सोना 21 रुपए बिके, बढ़िया 23 रुपए तक बिके। जी बिल्कुल। तो भाई साहब हमें थोड़ा एक लास्ट और बता दीजिएगा कि किसान जो उम्मीद कर रहा है आने वाले समय में, उनके लिए कैसा क्या उम्मीद करना सही है या फिर लगता है कि उनको अभी निकालना चाहिए? देखिए हर आदमी का अपना अपना आलू में गणित होता, कोल्ड वाले अपने गणित से चलते, व्यापारी अपने गणित से, किसान अपने गणित, बिल्कुल। लेकिन आलू में केवल अनुमान लगाया जा सकता, किसी का कंफर्म गणित नहीं होता। बिल्कुल, ये आंकड़े मतलब मैं तो यही कहूँगा, देखिए बारिश लेट हुई, किसानों को समय मिल गया, आलू निकासी के लिए भी आपके पास महीने भर का समय है, तो आलू निकालते रहिए जी। ज्यादा महीने भर का पूरा समय है भाई? हाँ, बिल्कुल लग तो रहा है जी, बिल्कुल। अच्छा इस बार अगर मंडी में अगर कच्ची फसल आने की मतलब हम उम्मीद करते हैं, नया आलू कब तक आ जाएगा? अब हमारे हिसाब से तो दिसंबर की शुरुआत में आना चाहिए, दिसंबर में आना चाहिए, क्योंकि लेट हो गया काफी। तो भाई साहब अपने मतलब कोल्ड स्टोरेज पोजीशन आपको पता है कि कितना क्या बचा हुआ? मतलब मेरे ख्याल से 15% के आसपास, यही 15-20% है। तो मुझे लगता है आलू फंसने के कोई चांस है नहीं? अभी हम नहीं कह सकते कि आलू फंस सकता है कि निकल सकता है, ये आंकड़ा आपने अनुमान लगा, मैं यही सलाह देता हूँ कि आलू बेचते रहिए, बेचते रहिए, लेकिन रुकना नहीं चाहिए किसानों को। बिल्कुल। चलिए तो ये थे हमारे साथ मंडी के अध्यक्ष पंकज कुशवाहा जी, और इन्होंने जो जानकारी दी बिल्कुल सही और सटीक दी है, और किसान है भाई साहब, इनसे भी बातचीत करते हैं थोड़ा हम, और ये थोड़े ज्यादा इंटरेस्टेड भी है तो इनसे बात करते हैं। आगरा के हैं भैया, कहाँ आगरा से आए हैं बताए? आगरा बहा। नाम बताइए? नारायण भदौरिया। बहा से? अच्छा, बहा में तो मैं गया हूँ यार, आपके यहाँ फील्ड भी गया हूँ। चलिए फिलहाल की बात करें तो भैया आप आलू लेकर आए हैं या फिर खरीदने आए, क्या बताइए किसानों का? लेके आए बेचने। कौन सा भैया आलू था? ये 37-97 का गुल्ला है, ये जो गीला कटा है। हाँ। अच्छा बिक गया? बिक गया। क्या रेट मिला? ये 13.5 रुपए, 1350 रुपए। तो किसान भाइयों यही आलू है, भैया दिखाइएगा जरा, जो भाई साहब ने बताया था अभी 1350 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से भाई साहब का बिका। और भी भैया लाए? और बीजा लेके आए। अच्छा बीजा का बिका नहीं बिका? बिक गया, बीजा भी बिक गया। चलिए अच्छा, अपने यहाँ भैया 37 पे ज्यादा फोकस होता ही है। कोल्ड स्टोरेज पोजीशन बता दीजिए जरा, उधर क्या पोजीशन है? पोजीशन मान के चलो वही, अभी बीजा निकल रहा है इस समय, जी जी मान के चलो 30% के करीब बचा हुआ है। अभी बीजा निकल रहा है, बीजा निकल रहा है, शुरुआत हुई है बीजा निकलने की 2-4 दिन। अच्छा कोल्ड स्टोरेज जैसे जिसमें जितना आलू बचा हुआ है वो उसकी मात्रा क्या रहेगी? वही मान के चलो 15% के करीब रहेगा। 15%? तो इस समय की अगर बात करते हैं, हाँ, तो लगभग निपट जाएगा मुझे लगता है। निपट जाएगा। चलिए तो फिलहाल की बात करें, किसान भाई इस समय मौजूद है चक्करपुर मंडी में और राकेश आलू कंपनी पर, और यहाँ के जो आपने रेट देखे बिल्कुल सही और सटीक जानकारी आपको बताने की कोशिश की है। बाकी आज के जो रेट हैं, आज कहीं ना कहीं मंडियों में दबाव है और आलू के भाव में कुछ गिरावट महसूस की गई है, जैसा कि आप भाई साहब ने बताया कि 1 रुपये का खुला दबाव देखने को मिल रहा है। मंडी की अगर आमदनी की बात करेंगे, आमदनी भी डबल हो चुकी है, और आज वैसे अभी तक क्या होता था, आमदनी डबल होती थी लेकिन रेट में कोई परिवर्तन नहीं होता था, लेकिन आज आमदनी तो डबल हुई है लेकिन उसके साथ साथ रेट में भी कुछ परिवर्तन हुआ है, जैसा कि आप लोगों ने वीडियो में देखा भी है। तो आप लोगों को कुछ पूछना है कमेंट करके पूछ सकते हैं, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, किसानों को सही सटीक जानकारी मिले। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब भी कर लें। जय जवान जय किसान।